आप लोग मुझे बता रहे हो कि आपको केस स्टडी में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो देखो जी, एक सिर्फ पूरे पेपर के अंदर एक केस स्टडी ही ऐसी मैंने डाली थी जिसमें थोड़ा सा सोचने वाला काम था, बाकी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सिंपल फॉर्मूलाज अप्लाई करने थे और क्वेश्चन हो जाने थे। ये सोच करके ही सिर्फ एक केस स्टडी मैंने थोड़ी मुश्किल डाली थी कि चलो कहीं हम थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप लोगों को इसका थोड़ा अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। दिस इज समथिंग वी कैन मेक आउट असर्शन रीजन एंड केस स्टडीज, दिस इज समथिंग वी शुड पुट मोर एम्फोसिस ऑन, ठीक है जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप नॉर्मल कर पा रहे हो, तो हमारा काम अब क्या है, मेजरली आपको असर्शन रीजंस और केस स्टडीज के क्वेश्चंस करवाना, ताकि पेपरों तक आपको, ऐसा नहीं है अभी 2 महीने पढ़े हैं तो तुम देखो, करना तो वही होता है जो नॉर्मल क्वेश्चन में करना है, वही वहां करना है, कुछ नया नहीं करना। सिर्फ एक नाम नया है तो इसलिए आप शायद देख करके आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो, यही मुझे एक बात समझ में आती है, बाकी तो ऐसी कुछ लंबी चौड़ी बात इसमें है नहीं है, ठीक है जी। चलो जी, तो अब हम शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। अब मुझे आपने बताना है, तो आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये जो पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पर, इसमें क्या दिक्कत थी किसी को? एनी वन हु वॉज नॉट एबल टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ऐसे क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी भी बहुत सारे हैं। हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर, डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 14 है तो रेडियस कितना है? 7। इट मींस ये 7 है, हमें कुछ दोनों का अलग अलग मेंशन नहीं किया गया, तो मैं दोनों के लिए ही R 7 सेंटीमीटर रिज्यूम कर सकती हूँ, बिकॉज नथिंग इज गिवन कि उसका डिफरेंट है या इसका डिफरेंट है, कुछ ऐसा नहीं। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट हमारी है 13 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो 10th A से अमनजोत, हाँ जी 10th A अमनजोत, फटाफट -फड़ आ जाओ, जिसका मैं नाम लूँ ना माइक के पास, फटाफट -फड़ आ जाए जाओ। हाँ बेटा, अब ये टोटल हाइट 13 दे रखी है और मेरे से पूछा गया है सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो बेटा सबसे पहले तो इनर सरफेस एरिया का मतलब मेरे को कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं ये बताना है आपको। सरफेस सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया जाएंगे इसमें, ये टोटल सरफेस एरिया जाएंगे बेटा, कब एरिया सरफेस एरिया सिलेंडर का, कब सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का, पाया हेमिस्फीयर का 2 पाई R² तो सिलेंडर का है मेरे पास 2 पाई R h और हेमिस्फीयर का है 2 पाई R² सबसे पहले मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकती हूँ, कैलकुलेशन पार्ट को अगर मैंने रिड्यूस करना है, एक तरीका तो क्या है कि मैं यहां पर वैल्यू डालती जाऊं और अपने कैलकुलेशन करके काम कर लूं। दूसरा मेरे पास तरीका क्या है, जो इसमें से कॉमन आ रहा है पहले उसे बाहर निकाल दूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कंपेरेटिवली कम हो जाती है। बताओ जी, कुछ कॉमन आ रहा है बच्चे इसमें? 2 पाई टू पाई आर बचेगा क्या मेरे पास, और यहाँ पे H+R, 2 पाई R कॉमन ले लिया, यहां से H बच गया, इसमें से एक R बाहर चला गया, एक R बच गया है। चलो जी, आप चलो अपनी सीट पर, दक्ष आप गो टू योर सीट, दक्ष कम फॉरवर्ड। हाँ बेटा, अब इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ये H जो है ये किसकी हाइट है, ये टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड है या सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट होगी? हाँ जी बेटा, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट होगी ये वाला H, या टोटल हाइट जो 13 दे रखी है वो होगी ये सिलेंडर सिलेंड्रिकल की?
तो अब एक दिक्कत आ गई, ये आर तो मुझे दोनों का दे रखा था 7 सेंटीमीटर, लेकिन इस सिलेंड्रिकल पार्ट की अलग से हाइट तो मुझे दी नहीं है। अब क्या करूं बेटा, कैसे निकालूं? मेरे पास तो टोटल हाइट है 13, ये सिलेंडर वाले पार्ट की हाइट कैसे निकलेगी? हाइट ऑफ वेसल माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ द टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर विल गिव मी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। 7। जो रेडियस है वही मेरी हाइट है, तो 13 में से 7 माइनस कर दें तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज डालनी थी तो आंसर आ जाना था। ठीक है जी, तो दक्ष आपका मैथ्स में आपको पता ही है नंबर कितने हैं, तो मुझे बताओगे बेटा ये इतने नंबर क्यों हैं? कोई क्वेश्चन नहीं आता था आपको? क्या था टाइम कम था मैम? कितना टाइम दिया गया था इनको पूरा पेपर करने के लिए? 20 क्वेश्चन और 15, 35 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दिया गया था मैम? आप ही बता दो कितना टाइम दिया था आपको पूरे पेपर? आप हाफ एन आवर गया दिया गया था फॉर 35 क्वेश्चन। चलो टू सम एक्सटेंट आई कैन से कि टाइम थोड़ा सा चलो दिया जा सकता था, बट स्टिल जो साइंस वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, अगर 20 क्वेश्चन थे, बायो के क्वेश्चन थे, कोई कैलकुलेशन नहीं है जिसके अंदर, बायो ही था ना तुम्हारा इसके साथ? हाँ, तो जो बायो के क्वेश्चन हैं वो तो आपको सिर्फ पढ़ करके मार्क आउट करने थे, केस स्टडी में हो सकता है सोचने जैसा कुछ होगा। तो 20 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 15 मिनट ही लगने चाहिए थे, इससे ऊपर तो लगने नहीं चाहिए थे। बाकी के जो 15 मिनट थे उसमें आप मैथ्स का एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए? इतनी मुश्किल कैलकुलेशन तो नहीं थी बेटा? टाइम की शॉर्टेज, चलो आई अग्री टू सम एक्सटेंट कि मान लिया थोड़ी सी उसमें और आपको टाइम दिया जा सकता था, लेकिन इतना भी कम टाइम नहीं था कि आप एक दो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए आउट ऑफ 15। आते थे क्वेश्चन, दोबारा जाके देखो था पेपर? ऑनेस्टली बताना दक्ष, आपने वापस जाके पेपर देखा? जब यहां से करके चले गए आपको लगा कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो या टाइम कम था, तो दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश की आपने? बस फिर, दिस शोज योर सिंसियरिटी टुवर्ड्स द वर्क। चलो जी सीट पे चलो। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में किसी की अगर प्रॉब्लम है तो मैं डिस्कस करूंगी। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। इन अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ अ स्फीयर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हाँ जी दिलप्रीत, आज फटाफट माइक के पास आओ और मुझे बताओ करना क्या था क्वेश्चन के अंदर। हाउ आई एम आई सपोज टू प्रोसीड इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्लेड है, अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि मुझे इसमें करना क्या था। In this we are given that the find that and we have to find the radius of a sphere and we are given that sphere is equal to the right circular cone. स्फीयर इज इक्वल टू राइट सर्कुलर कोन, और व्हाट आई शुड टू बी मोर टेक्निकल शुड आई से द वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलिए जी, अब कोन की वॉल्यूम क्या होती है बेटा? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi r² 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? क्यूब। 4/3 pi r फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। अब इसमें से मेरे पास तीन अननोन, स्मॉल आर, स्मॉल एच एंड कैपिटल आर, किस किस की वैल्यू इन तीन में से पता है और कौन सी निकालनी है? मैम वी हैव रेडियस ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ द कोन बट वी आर ओके okay. नॉट हैविंग द रेडियस एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। मतलब कैपिटल आर निकालना है, स्मॉल आर और एच मुझे पता है, यस
और मैंने आपको ये बात कही थी, जब भी वॉल्यूम्स में आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो पहले ही सिंप्लीफिकेशन जितनी पॉसिबल है वो कर लो, बाद में बाद की बातें देखेंगे। अब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? सिक्स सिक्स। सो सिक्स इंटू सिक्स इंटू एच कितना है? 24 डिवाइड बाय 4 विल बी योर आर क्यूब। तो सामने से नजर आ रहा है आर कितना हो जाएगा? सिक्स यहाँ आर क्यूब, यहाँ सिक्स का क्यूब, सो व्हाट शुड आर बी? सिक्स सिक्स सेंटीमीटर। कुछ था ही नहीं, सिर्फ 30 सेकंड्स का क्वेश्चन था, वो भी शायद नहीं था। बैठो सीट पे। ये किस किस का गलत हुआ, जरा हाथ खड़ा करना। ऑनेस्टली हाथ खड़ा कर दो, ये क्वेश्चन किस किस का गलत है, वरना मेरे को पता तो चल ही जाना है अदरवाइज भी। जल्दी हाथ खड़ा करो, किस किस का ये वाला क्वेश्चन गलत है, पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड रॉन्ग? सबका ठीक है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन हाँ जी। नहीं, फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि नंबर इतने कम कैसे हैं, जब आ ही रहा है, चीजें समझ में आ रही है, आंसर आप लोग कर रहे हो, तो पेपर में नंबर क्यों नहीं आए हैं? दैट इज अ मिस्ट्री देन। हाँ जी, पढ़ो जी अगला क्वेश्चन। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। क्वेश्चन कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, दिस इज द कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ द सेम बेस रेडियस, इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट्स आर इक्वल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। ये अब मेरे को बताना है, विल कम हरनूर कौर, आ जाओ बेटा हरनूर। बोल बच्चे क्या करना था? मुझे यहां क्या कहा गया है, इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्ट एंड कॉनिकल पार्ट्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या बेटा? जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और जो कॉनिकल पार्ट है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर है, यही मतलब है इसका? ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ कॉनिकल पार्ट का या कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इज इट द कर्व सरफेस एरिया बच्चे? थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, आप कह रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आप तीन डायमेंशन की मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, 2r 1h, क्यूबिक यूनिट में चले जाएगा। क्या एरिया कभी क्यूबिक यूनिट में होते हैं? तो ये फॉर्मूला तो वैसे ही पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। बच्चे इस स्टेज पे अगर फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम है तो बहुत गड़बड़ है। दिस इज इक्वल टू दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। हेमी स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? चलो, कितना? थ्री पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। इज इट द कर्व सरफेस एरिया और इज इट द टोटल सरफेस एरिया? बेटा जब हम हेमी स्फीयर की बात करते हैं, टोटल स्फीयर का जो एरिया है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसमें कोई फ्लैट सरफेस है ही नहीं, जो टोटल सरफेस है वही कर्व। लेकिन जब आपने उसको आधा काट दिया तो उसमें एक फ्लैट सरफेस, सर्कुलर फेस जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा
आपका 2 pi r square, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 3 pi r square. इज इट ओके? तो हरनूर, आपने सबसे पहला काम सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी इस चैप्टर के हैं कम से कम 3 बार कॉपी पे लिख के मैडम को चेक कराना है, ठीक है? और उसमें से रैंडमली मैम आपसे कुछ भी सुन भी लेंगी. पहले तो ऑनेस्टली खुद ही एक बार सारे लर्न करोगे फॉर्मूलाज, एटलीस्ट 2 times यू विल राइट इन योर नोटबुक, यू विल शो दैट टू योर मैम, एंड मैम इज गोइंग टू आस्क रैंडमली एनी फॉर्मूला फ्रॉम यू. इज इट ओके बच्चे? क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देख के कि आपके फॉर्मूला पार्ट ही अभी वीक है, तो पहले उसी पे काम करें. अगर फॉर्मूला आता होगा तो क्वेश्चन तो फिर हो ही जाएंगे. इज इट ओके? ठीक है बच्चे, चलो सीट पे चलो जी. हाँ जी मानव, 10th B. एब्सेंट है. ओके जी. हर्ष आ जा बच्चे, आगे आ जा. बेटा मैथ्स में नंबर पहले तो ये बताओ कि कम क्यों है? साइंस में तो फिर भी ठीक है, मैथ्स में इतने कम नंबर क्यों है? कोई वजह? क्वेश्चन नहीं आते थे, टाइम कम था, फॉर्मूले भूल गए थे, क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या हुआ था? एनी रीजन? बोल बेटा, बहुत फटाफट. हाँ जी जोर से बोलो, सुन नहीं रहा. प्रिपेयर नहीं किया था. क्यों बेटा, आपको क्या लग रहा है अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा प्रिपेयर? एम्पल टाइम, 10 महीने निकल चुके हैं, 2 महीने पड़े हैं. अगर 10 में प्रिपरेशन नहीं करी तो 2 में कैसे होनी है? बेटा प्रिपेयर क्यों नहीं किया था? जो यहाँ क्लासेस लगी, जो स्कूल में क्लासेस लगी वो लगाई थी ना, तो फिर फॉर्मूले आते थे, सब था, तो फिर प्रिपेयर करना ना करना तो फिर भी एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता था. थोड़ा सा फोकस होके क्लास में बैठा करो, ताकि जितना काम क्लास ने कराया उसी से ही बहुत कुछ हो जाता है बच्चों. अगर ध्यान से क्लासेस लगाई हैं आपने, स्कूल की क्लास, यहाँ पे आपने सुना है, किया है काम, तो आधी चीजें तो ऑटोमेटिकली वैसे ही समझ में आ जाती है. चल कोई बात नहीं बेटा, आगे बता क्या करूं. यहाँ पे मुझे क्या दिया है? दी हेमिस्फेरिकल, द कर्व सरफेस एरियाज ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट दे आर इक्वल, और रेशियो किसकी बतानी है? रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट. जब हमें हाइट कहा जा रही है तो मैं कौन से हाइट की बात कर रही हूँ? स्लांट हाइट की कि स्ट्रेट हाइट की? स्ट्रेट हाइट की. मतलब मुझे आर बाय एच चाहिए, रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट. बताओ बेटा, ये निकालना है मुझे कोन के लिए. रिलेशन ये दे रखा है, अब क्या कर सकती हूं मैं? बोलो बोलो फटाफट से. पाई आर से पाई आर को कैंसल बिल्कुल कर देते हैं, एल इज इक्वल टू 2 आर आ गया. लेकिन प्रॉब्लम है, मुझे तो एच के बारे में बात करी जा रही है, एल के बारे में तो बात ही नहीं करी जा रही, अब क्या करूं फिर? क्या बेटा मेरे पास एल और एच में कोई रिलेशन है? एल आर और एच में कोई रिलेशन होता है? हाँ जी, एल आर और एच का रिलेशन लवलीन. हाँ जी लवलीन. हाँ जी, है कोई लवलीन या एब्सेंट है? एब्सेंट है. ओके, जसप्रीत कौर. जसप्रीत कौर आ जा बच्चे, आप चलो जी सीट पे. ध्यान से सुनना क्या बताया जा रहा है. एल आर और एच में कोई रिलेशन है? हाँ जी बताओ जी क्या रिलेशन है.
एल आर और एच कौन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन में, ये मेरे पास एच है स्ट्रेट हाइट, ये मेरी स्लांट हाइट और ये है मेरा रेडियस, क्या इन तीनों में कोई रिलेशन होता है बच्चों, ये बताएंगी मुझे अभी, बोल बेटा जसप्रीत जल्दी से बताओ बेटा क्या रिलेशन है। आप कह रहे हो l इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कोई करेक्शन करना चाहता है इसमें कुछ, या करेक्ट है ये? हाँ l का भी स्क्वायर, पाइथागोरस लग रही है सामने से, यहाँ पे हमारे पास ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, सो l स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब क्या करूं, अब आगे कैसे प्रोसीड करूं, l इज इक्वल टू 2r आ गया लेकिन मुझे रिलेशन r और h का चाहिए था, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा बेटा, मैम एल की वैल्यू 2r पुट करेंगे। एल की वैल्यू यहाँ पर 2r डाल देते हैं, तो क्या बन गया ये 4r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मुझे चाहिए r अपॉन एच, क्या बन गया ये 1/3 बन गया, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज 1/3, सो वॉट इज आर बाई एच, वन इज टू रूट थ्री, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा मुझे दोनों तरफ, सो माई आंसर इज 1/√3। चलिए जी जाइए सीट पे। सो वन थिंग विच आई कुड मेक आउट इज फॉर्मूलाज में ही अभी तो प्रॉब्लम है, फॉर्मूलाज ही याद नहीं है। सो जो मैंने अभी उस एक बच्चे को बोला था, दैट इज द एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करके दो बार कॉपीज में सभी ने लिखने हैं। और मैम प्लीज आप जब भी इनकी क्लास होगी तो 5 मिनट लगा करके एक बार फॉर्मूलाज आप दोबारा इनसे एक बार सुन लेना, ताकि वो माइंड में थोड़े से फिक्स हो जाएं। जब मेरी क्लास आएगी तो मैं भी एक बार फॉर्मूलाज तो बच्चों अब आपकी जगह लर्न हम नहीं कर पाएंगे ना, लर्न तो आपको करना पड़ेगा। अगर बेसिक फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले ये नहीं है कि आप 10th में पढ़ रहे हो, ये सारे फॉर्मूले जितने भी यूज हो रहे हैं आप 8th में 9th में सब यूज करके आए हो, यहाँ कोई नया फॉर्मूला तो इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है, am I right? वो कोरोना सारे फॉर्मूले भी साथ ही ले गया क्या, ये फॉर्मूले भी याद नहीं रहे हमें, यहाँ तो नया फॉर्मूला कुछ सीखा ही नहीं है हमने, वही फॉर्मूला की एप्लीकेशन ही करी जा रहे हैं जो 8वीं 9वीं में पढ़ के आए थे। तो बच्चे 3 साल तो नहीं लगते किसी भी फॉर्मूलेज को लर्न करने के लिए, इतने बुझ दिमाग के बच्चे नहीं हो आप लोग, अपने आप को इतना बेवकूफ मत बनाओ कि तुम्हें 3 साल लग जाते हैं कोई फॉर्मूला लर्न करने के लिए, इज इट पॉसिबल, क्या इतने यहां से खाली दिमाग के तो नहीं हो, सोच के देखो 2 मिनट लगा के, क्या इतने खाली दिमाग के बच्चे हो तुम लोग, बिल्कुल भी नहीं हो, काम नहीं करना चाहते बस, दैट इज द प्रॉब्लम। कर ही नहीं सकते कुछ जब तक फॉर्मूला नहीं आता, सब कुछ तो फॉर्मूला बेस्ड है। तो बच्चों टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, ये किसी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए करना है, मैडम के लिए, मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं करना है तुमने ये। बच्चों थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ एंड स्टार्ट डूइंग, मैथ्स इज ओनली यू विल गेट इट व्हेन यू विल डू इट, दैट इज ट्रू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के, बिना लिखे, बिना पेन चलाए पॉसिबल ही नहीं है। आज बातें अभी भी बातें ही, इनको लगता है सिर्फ बस ब्लैकबोर्ड से देखकर कॉपी पर लिख लिया जा से, जो बस ब्लैकबोर्ड पर करा रही हो वो पेपर में आ गया, उनको नहीं पता मैथ्स का वर्क सब्जेक्ट कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो और स्टेटमेंट डाल सकती है, तभी तो दिक्कत आती है ना। हम केस स्टडीज में दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं है, समझने की आदत नहीं है, सिर्फ ये पता है कि फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आता नहीं है, तो फिर करना क्या है, कुछ भी नहीं।
कोई बात नहीं, अब यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखूंगी नहीं, आप जो बोलोगे मैं बोर्ड पे लिखूंगी, फिर देखते हैं कब तक बोलते नहीं और कब तक काम नहीं करते। फिर तुम्हें तरीके आते हैं तो तरीके बच्चों हमें भी आते हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं है, हम अपना तरीका बदल देंगे, नो प्रॉब्लम। तुम्हें नहीं बदल सकते, खुद को तो बदल सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलो फिर देखते हैं क्या होता है। आ जाओ जी, फोर्थ क्वेश्चन। कौन अपने आप बताएगा मुझे कि क्या करना है, जल्दी से रेज योर हैंड, हु इज गोइंग टू टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ डिस्प्ले कर देती हूँ, अगर आपके पास नहीं है पढ़ो फटाफट। हाँ मैम आप ही भेजो, आपको पता है कि कौन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उसको आगे माइक पे भेज दो, अपने आप काम करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं उसके पास। उठ जा बेटा, किसको कह रहे हैं मैडम, गेट अप फास्ट, खड़े हो जा बेटे, खड़ा फटाफट से। अ मेटालिकल स्फेरिकल शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ बेस डायमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज टू बी। चल आ जा बेटे फटाफट, किसको कह रहे हैं मैडम, गेट अप। मैं बता दूंगी क्या करना है आगे, तो आ बेटा बोर्ड यहाँ तक आने की तो कष्ट कर ले उठ के, मैं बताती हूँ क्या करना है। आजा फटाफट, आजा खड़ा हो जा फटाफट। और भाई मेरा गला खराब है, इतना ना बुलवाओ मेरे को, फटाफट खड़े हो जाओ, गेट अप फास्ट। इसके अड़ोस पड़ोस में जो बैठे हैं जरा इसको उठा के लाना, खड़े हो जाओ फटाफट, किसको कह रहे हैं मैडम, फटाफट। इतना कष्ट बेटे वहां से यहाँ आने में, क्या बात। सहयोग ने हाथ खड़ा किया था हाँ मैडम, जी सहयोग ने हाथ खड़ा किया है, ना, तो अगर मैडम आपको कह रहे हैं खड़े होने को तो आपको क्या प्रॉब्लम है, कैन यू टेल मी। क्वेश्चन अभी कहा मैडम, अभी आ गए, रस ना होगी। बताओ जी क्या करना है, समझाओ मुझे क्वेश्चन में क्या दिया और क्या निकालना है और क्या करना है। मैडम इसमें इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया है और एक्सटर्नल 8 सेंटीमीटर, ओके दिया क्या है, कौन सा सॉलिड दिया है, स्फेरिकल स्फेयर का डायमीटर, स्फेयर शेल, मतलब होलो शेल है मेरे पास जिसके एक्सटर्नल और इंटरनल डायामीटर मुझे दिए हुए हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने, बॉल है, बॉल के अंदर एक और आपके पास लेयर बनी है, अंदर से वो खाली है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज दिस। आपको डायामीटर्स दे रखे हैं तो रेडियस बताना जरा, एक्सटर्नल रेडियस कितना है। हाँ एक्सटर्नल जी रेडियस का 4 सेंटीमीटर और इंटरनल का 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। चलिए जी अब क्या करना है मुझे, दिस इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोन। जब मैं इसको मेल्ट करूंगी तो आपको सबको पता है कि वॉल्यूम सेम रहती हैं। अब इसमें वॉल्यूम कैसे निकालूं मैं, बोल बेटा। जो मटेरियल है उसकी वॉल्यूम चाहिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल दैट इज यूज्ड टू फॉर्म दिस स्फेरिकल शेल, बोल बेटा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन। पहले एक बात बताओ, एक सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है, क्या दोनों में कोई फर्क समझ में आता है आपको। चलो होलो नहीं भी है तो हमने जो थिकनेस बोली है वो नेग्लिजिबल नहीं है, वो कुछ थिकनेस है मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात करूं तो कैन यू इमेजिन कि आपके पास एक बॉल है, उस बॉल के अंदर फिर आपने एक और बॉल डाल दी, तो जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज हुआ वो कैसे आएगा। विल इट बी 4 पाई R³, विल दिस बी दी वॉल्यूम, बोल बेटा क्या यही वॉल्यूम होगी मेरे पास। मटेरियल मटेरियल की वॉल्यूम क्या ये होगी 4 पाई R³ या कुछ और होगी। अच्छा 4 सॉरी सॉरी 4 बाई 3 पाई R³ ये होगी। हाँ जी ये होगी, उसमें इंटरनल माइनस कर देंगे।
उसमें से ये एक्सटर्नल वाले पार्ट का वॉल्यूम है, इसमें से इंटरनल वाले का वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूं तो इतनी वॉल्यूम मेरे पास अवेलेबल है, और इसको किसमें कन्वर्ट करना है मैंने, कौन में, कौन की वॉल्यूम क्या होती है, वन बाय थ्री पाई आर वन स्क्वायर बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच। सो आई राइट इट एज दिस इज वन बाय थ्री, इसके रेडियस को आर वन मान लेते हैं, आर वन स्क्वायर इंटू एच, वन बाय थ्री पाई आर वन स्क्वायर इंटू एच। चलिए जी आप अपनी सीट पे चलिए, अब यहां पर आएंगे और कैलकुलेशन करवानी है। हिमांशु आ जा बेटा, हिमांशु चल बेटे फर्स्ट कैलकुलेशन करवाओ मेरे साथ, क्या करूं कैसे। हाँ पाई ये सारे आर डिफरेंट हैं, यहां पर आर वन है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, अब बता बेटा क्या करना है। थ्री फर्स्टली थ्री एंड पाई यहां से 4/3 पाई को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब बच गया, यहाँ 1/3 पाई आर वन स्क्वायर एच है, अब क्या करो बेटा। ये काट दूँ, ये भी काट दूँ, क्या बचा मेरे पास, आर वन स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब क्या क्या वैल्यू मुझे दे रखी है और क्या मेरे से पूछा जा रहा है निकालने को, बोल बेटा। क्या ये आर वन किसका लिया था, ये आर कौन का रेडियस क्या दिया है, कौन का रेडियस दिया है, कौन का रेडियस, R1 बिल्कुल 4 सेंटीमीटर। क्या हाइट ऑफ द कौन गिवन है, नो, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। कैपिटल आर कितना है, फोर सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 4 का क्यूब कर दें तो 64, और स्मॉल आर कितना है, 2 क्यूब कर दें तो 8। क्या यहाँ से एच निकाल सकते हैं, यस करना जरा फटाफट से सब कैलकुलेशन करो, यू गो टू योर सीट, यू ऑल्सो कैलकुलेट इट, और कैलकुलेट करके बताओ जरा आंसर क्या बना, जल्दी जल्दी करो फिर हम जरा उस पे पहुंचे। केस स्टडी पे चलें जिसमें दिक्कत ज्यादा है आपको, फटाफट से। हाँ जी, यहां से एच निकल जाएगा, ये कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हो, 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा इस पे। चलिए जी अगला क्वेश्चन। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर विद टू सेमी स्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड्स पर सेमी स्फेयर हमने ये, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, एंड जो सिलेंडर है उसका डायामीटर 0.5 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर 0.5 है तो रेडियस कितना हुआ, हाँ जी रेडियस कितना हुआ, 0.5/2। ये जो है मेरे पास रेडियस, दिस इज 0.5/2। कैपेसिटी बतानी है, मतलब क्या चीज बतानी है, कैपेसिटी का मतलब जल्दी बोलो, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम वॉल्यूम की सरफेस एरिया, क्या निकालना है मुझे, वॉल्यूम। चलिए जी अब मोहित, मोहित कहाँ है जी, मोहित है कोई, टेंथ हाँ एक सेकंड, मोहित फ्रॉम 10th A आ जाओ बच्चे फटाफट फटाफट। हाँ इस कैप्सूल की कैपेसिटी बतानी है, क्या फॉर्मूले लगेंगे, क्या निकालूं, वॉल्यूम बतानी है इस कैप्सूल की, हाउ टू फाइंड इट, जल्दी बता बेटा फॉर्मूले बता दे क्या क्या लगाऊं।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, माइनस टू स्फीयर, माइनस टू स्फीयर। बेटे मुझे क्या कहा गया कि मेरा कैप्सूल इस सिलेंडर के अंदर से स्फीयर निकाल के बना कि इसके ऊपर मैंने स्फीयर और डाल रखे हैं, क्या कहा गया मुझे? पढ़ जरा क्वेश्चन ध्यान से। एक सिलेंडर है उसकी एंड पे हेमिस्फीयर लगा के मेरा कैप्सूल बन रहा है कि उसमें से हेमिस्फीयर निकाल के मेरा कैप्सूल बन रहा है? उसके ऊपर लगा के बन रहा है, तो क्या मेरी टोटल वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम में से स्फीयर की वॉल्यूम माइनस करके आएगी कि ऐड करके आएगी? ऐड करके आएगी। ऐड करके आएगी। तो फिर फॉर्मूले बता दे बेटा। मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, दो हेमिस्फीयर हैं तो टोटल मिला के पूरा स्फीयर ही हो गया। चल बच्चे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बता बेटा। 2πRh वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बिगेस्ट प्रॉब्लम विद यू पीपल इज यू डोंट नो द फॉर्मूलास। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर की वॉल्यूम 2/3πr, 4/3πr। टोटल की ले रहे हैं तो 4/3πr³। अब बच्चे इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास है और क्या नहीं है ध्यान से देख के मुझे बता। क्वेश्चन में से पढ़ के सब कुछ मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया हुआ, जो जो पता है मुझे यहाँ ही देख ले बेटा। यहाँ पे दो चीजें, एक आर और एक एच। क्या आर पता है मुझे? Yes, R 0.5 upon 2। बिल्कुल ठीक है जी, आर तो सामने से दे रखा है 0.5/2। ये जो एच है ये टोटल हाइट है या सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है फॉर्मूले के हिसाब से? टोटल हाइट। यहाँ पे जो एच है ये किसकी एच है बेटा, टोटल या सिलेंड्रिकल पार्ट की? ये सिलेंडर की है, ये सिलेंडर की। और जो दे रखी है वो क्या दे रखी है? ये एंटायर कैप्सूल की है। वो पूरे की दे रखी है। तो अब मैं इतने इतने पार्ट की हाइट कैसे निकालूं बेटा? मुझे ये हाइट चाहिए, ये कैसे निकलेगी बेटा? सिलेंडर की हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दो, सिलेंडर की हाइट तो पता ही नहीं बेटे, तो निकाल लूं कैसे? यही तो 2 - 0.5 कर दो। टोटल में से ये वाली हाइट और ये वाली हाइट माइनस कर दें, और ये वाली हाइट अभी पीछे भी आया किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर ही होगी, ठीक है जी। तो ये रेडियस और ये रेडियस, दो रेडियस मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? डायमीटर ही बन जाता है। इसका मतलब मुझे ये पार्ट निकालने के लिए दो में से 0.5 माइनस करना है, सो एच की वैल्यू 1.5। अब सब कुछ आपके पास है, डाल करके आपको जस्ट कैलकुलेशन करनी है। चलिए जी सीट पे चलिए। अब आ जाती है जी केस स्टडी, जरा ध्यान से हम इसको रीड करते हैं। अ बेकरी इज एन एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स फ्लोर बेस्ड फूड बेक्ड इन एन ओवन सच एज ब्रेड कुकीज केक। सबको पता है कि बेकरी क्या होती है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले जब भी आपके पास केस स्टडीज क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े कि क्या था और क्या हमें भूल गया और क्या पता है। तानिया रन्स अ बेकरी शॉप एंड हर बेकरी इज वेरी फेमस फॉर टेस्टी बिस्किट्स। द अमाउंट ऑफ मिक्सचर रिक्वायर्ड टू मेक 1 बिस्किट इज 18 क्यूबिक सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये यूनिट बताओ, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब किसके यूनिट है? वॉल्यूम है, एरिया है, क्या है ये? हाँ जी, वॉल्यूम है कि ये 18 जो दे रखा है ये वॉल्यूम दिया है कि ये सरफेस एरिया दिया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मेरे पास 18 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर रिक्वायर्ड टू मेक 1 बिस्किट। बिफोर इट इज कुक्ड द मिक्सचर इज रोल्ड इन टू अ स्फीयर। तो ये जो 18 सेंटीमीटर क्यूब है ये किसकी वॉल्यूम हुई? बिफोर, जब मैंने नहीं बनाया बिस्किट तो मेरे पास मिक्सचर किसमें रोल किया गया है? स्फीयर में। और मेरे पास कितना मिक्सचर था? 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 18 सेंटीमीटर क्यूब क्या मैं कह दूं स्फीयर की वॉल्यूम है?
डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमने क्या किया कि मैंने एक स्फेरिकल, जैसे आप वॉल बनाते हो घर में, अगर कभी किसी ने बनाया तो क्या होगा, कभी देखा हो, जैसे रोटी बनाते हैं तो वो एक हम वॉल टाइप का पहले बना के फिर उसको फ्लैट करते हैं, ठीक है? तो यहां भी हमने क्या किया, पहले हमने एक स्फीयर, एक बॉल की शेप में मिक्सचर को लिया हुआ है, बॉल को हम क्या कंसिडर करते हैं, स्फीयर। सो ये जो 18 सेंटीमीटर क्यूब है, ये किसकी वॉल्यूम हुई, स्फीयर की। अब स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। आफ्टर द बिस्किट इज कुक्ड, द बिस्किट बिकम्स अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 0.7 सेंटीमीटर। जब हमने उसको बेक किया तो जो स्फेरिकल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। और उस सिलेंडर की तुम्हें क्या क्या कुछ दे रखा है, रेडियस एंड हाइट, द इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब सबसे पहले तो हम ये देखें, यहाँ पे इसने बात करी है द इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो पहले हम पता करें कि इंक्रीज है कितना। पहले वॉल्यूम कितनी थी, 18 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया जिसकी डायमेंशन मुझे दे रखी है, तो मैं सबसे पहले ये पता करूं कि जो अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में बिस्किट आ गया उसकी वॉल्यूम है क्या। तो मैं क्या कैलकुलेट कर दूं, पहले वॉल्यूम ऑफ वन बिस्किट आफ्टर कुकिंग, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, किसकी वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम या सिलेंडर की वॉल्यूम? हाँ जी बोलो बच्चों, क्योंकि अब वो स्फीयर किसमें कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया है। निकाल दो, सिर्फ सिलेंडर का रेडियस पता है, हाइट पता है, अब सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला आई होप सबको मालूम है, क्या होता है सिलेंडर की वॉल्यूम, πr²h। आर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एच दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो ये वॉल्यूम ही कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये है मेरे पास आफ्टर वी हैव कुक्ड इट। निकालो फटाफट से, सॉरी पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। पाई इज 22/7, आर इज 3, एच इज 0.7, सो 7/10 कर देते हैं, बाकी कैलकुलेशन भी हमारे लिए उतनी कंपेरेटिवली आसान। ये 7 और 7 कैंसिल, 3 3 9, 22 × 9 करना है अब आपको, बस डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, हाँ जी 22 × 9 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, इतनी देर नाइन टू 18, 18 + 1 198/10, तो 19.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वन बिस्किट आफ्टर कुकिंग इज 19.8 सेंटीमीटर क्यूब, पहले थी 18 सेंटीमीटर क्यूब, अब हो गई है 19.8 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम तो ये पढ़ते आए अभी तक कि अगर हम एक शेप को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम बराबर रहती है या बराबर नहीं रह रही है, उसकी वजह दे रहे हैं क्या, द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज ड्यू टू एयर बीइंग ट्रैप्ड इन दी बिस्किट। जब हमने बिस्किट को बेक किया तो उसके अंदर कुछ एयर एंट्रैप हो गई है जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम बढ़ गई, 18 सेंटीमीटर क्यूब से 19.8 सेंटीमीटर क्यूब पहुंच गई है। ये भाई यहां तक सबको समझ में आया, हाँ जी, हैव यू अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। Yes. अब मैंने क्या किया, बिस्किट्स आर पैक्ड इन अ सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड, ये दे रखा है आपको कि एक सिलेंड्रिकल कार्ड बॉक्स है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, ये हाइट 14 सेंटीमीटर है, और इस तरीके से मैंने इसमें बिस्किट्स की लेयर बिठाई है। आप लोगों ने अभी दिवाली पे देखा होगा बिस्किट्स की पैकिंग आती है, प्रॉपर उसका अरेंजमेंट किया हुआ होता है,
तो अब ये इस तरह का एक अरेंजमेंट मुझे करके दे दिया गया। अब ये जो बिस्किट बने हैं इसकी डायमेंशन मुझे दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 0.7 सेंटीमीटर, और इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया। सब बातें क्लियर हुई यहां तक? हाँ जी, यहां तो कोई बात जो नहीं समझ में आई हो तो बता दो मुझे। पहले 18 सेंटीमीटर क्यूब का डो लिया था हमने, जब उसको बेक किया वो स्फेयर की बजाय सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। सिलेंडर में कन्वर्ट होकर एक बिस्किट का जो डायमेंशन था वो ये था, तो एक बिस्किट की वॉल्यूम 19.8 सेंटीमीटर क्यूब हो गई। वो क्यों बढ़ी है उसका रीजन दे रहे हैं कि उसके अंदर एयर एंट्रैप हो गई है, इसीलिए उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। अब बिस्किट को बना लिया, अब उसकी पैकिंग करनी है, पैकिंग में तो सेल करेंगे। अब पैकिंग करने के लिए हमने क्या लिया, हमने एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लिया जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, और इस तरीके से हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लेयर्स उसमें बिठा देनी है, वो पैक हो जाएगा और फिर उसके बाद वी आर गोना सेल इट। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बिस्किट आफ्टर इट इज कुक्ड? क्या हमने निकाल लिया है? यस तो ए आंसर हो गया, सी आंसर हो गया आपका 19.8 सेंटीमीटर क्यूब। यस फिर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड व्हाइल कुकिंग द बिस्किट? बता सकते हो व्हाट इज द एयर ट्रैप्ड? जो इनका डिफरेंस है उसने कहा वो एयर एंट्रैप हुई है, तो 1.8 सेंटीमीटर क्यूब। पहले दो क्वेश्चन तो हमारे हो गए, कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब अगला है, हाउ मेनी बिस्किट्स विल बी देयर इन अ बॉक्स? अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा बुद्धि पर जोर डालना पड़ेगा। ये आपको पूरा अरेंजमेंट करके दिया हुआ कि इस तरह का अरेंजमेंट करके मैंने बिस्किट्स इसमें पैक करने हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने ये एक लेयर लगाई तो इसमें कितने बिस्किट आ गए? हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर इन दिस वन लेयर? कैन यू काउंट द नंबर ऑफ बिस्किट्स? 1 2 3 4 5 6 7 बिस्किट्स आर देयर, यस मतलब एक लेयर में 7 बिस्किट आ रहे हैं। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं टोटल कितनी लेयर्स लगा सकती हूँ, तो क्या टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स भी पता चल जाएंगे कितने आएंगे? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मेरे पास एक लेयर जो मैंने बिस्किट की लगाई उसमें 7 बिस्किट अरेंज हो गए हैं। मेरे पास जो टोटल हाइट है सिलेंडर की वो 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब मैं जितनी लेयर्स लगा पाऊंगी वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसको 14 सेंटीमीटर के अंदर ही मैंने बिठाना है पूरा। तो सबसे पहले मुझे पता करना है कि कितनी लेयर्स लग सकती हैं। अब इसके लिए क्या करोगे सोचो जरा। आप सोच के देखो, आपके पास घर में बिस्किट पड़े हों, आप वो इसको इस तरीके से अरेंज कर रहे हों, एक के ऊपर एक बिस्किट लगाना है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कहीं भी गिरते जाएंगे, वो तो कर नहीं सकते प्रॉपर। आपको पता है जब आपके पास कोई चीज प्रॉपर आती है तो प्रॉपर पैकिंग के साथ आती है, एक सिमेट्री में लगाई जाती है। इसका मतलब जो मैं बाकी के बिस्किट भी लगाऊंगी इसके ऊपर ऐसे ऐसे, इसके ऊपर ऊपर, मतलब हर लेयर में 7 7 बिस्किट में रखती चली जाऊंगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस तो कितनी लेयर मैं लगा सकती हूँ ये सोचना है मैंने, बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब मैंने ये एक लेयर लगा दी तो इसकी कितनी हाइट कवर हो गई? टोटल हाइट 14 सेंटीमीटर अवेलेबल है। जब एक लेयर मैंने बिस्किट की बिठा दी तो कितनी हाइट कवर हो गई है इसकी, पता चल सकता है क्या मुझे? ये देखो जरा, ये मेरे पास बॉक्स का बेस है, ये मेरा बिस्किट है, सिलेंड्रिकल बिस्किट बोल सकती हूँ मैं इसको, कि इसकी ये हाइट है जो मेरे पास कितनी दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर, और ये कुछ रेडियस जो भी वट एवर इट इज गिवन टू। अब अगर मैं इसको ऐसे इसके ऊपर रखूं तो इसमें कुछ हाइट मेरी कवर हो गई है। कितनी हाइट कवर हुई? जितनी इसकी हाइट थी उतनी हाइट कवर हो गया, सिंपल सा। मतलब कितनी हाइट कवर हो गई? 0.7 सेंटीमीटर की हाइट एक लेयर में जा रही है। मेरे पास टोटल हाइट कितनी है? ओ, तो आप क्या बता सकते हो कि कितनी लेयर लगेंगी? 14 सेंटीमीटर में कितनी लेयर्स आप बिठा पाएंगे? यूनिटरी मेथड, 20 लेयर लगा सकती हूं मैं? देखो जी, एक लेयर में मेरे को पूछा गया है नंबर ऑफ बिस्किट की हम बात कर रहे हैं। मेरे पास एक लेयर में कुल
0.7 सेंटीमीटर हाइट इज बीइंग कंज्यूम्ड इन वन लेयर. तो 14 सेंटीमीटर हाइट के लिए यूनिटरी मेथड लगाऊं तो 0.1 अपॉन 0.7 इंटू 14, तो क्या बन जाएगा ये 14 7 10, मतलब कि 20 लेयर्स लगा सकती हूँ मैं. ये बात समझ में आती है सभी को? अब फिर बता दो कि टोटल बिस्किट कितने लगेंगे. एक लेयर में कितने बिस्किट लग रहे थे हमारे? एक में कितने लेयर, एक लेयर में कितने बिस्किट लगे थे? सेवन लगे थे. 20 लेयर लगा दूं तो कितने बिस्किट लग गए? आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन पढ़ो फिर. यहाँ पे मेरा आंसर 140 बिस्किट्स हो गया है. अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हाउ मच स्पेस इज वेकेंट इन द बॉक्स आफ्टर द बिस्किट्स आर पैक्ड. अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि जब मैं ये बिस्किट्स को पैक कर रही हूँ तो यहाँ आपको कुछ खाली जगह दिख रही है, पूरे का पूरा तो कवर अप नहीं हुआ, ये स्पेसेस मेरे पास बच गए. ठीक है जी, अब ये कितना स्पेस बचा हुआ होगा ये बताना है मुझे बस. तो क्या करना पड़ेगा मुझे? शाबाश शाबाश, जल्दी से सोचो करना क्या पड़ेगा मुझे, कैसे निकालूंगी मैं बची हुई स्पेस. स्पेस का मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, सरफेस एरिया की वॉल्यूम की? वॉल्यूम की. कितनी वॉल्यूम बच गई ये निकालने के लिए क्या करूं मैं? जो इस बॉक्स की वॉल्यूम है उसमें से जो बिस्किट्स की वॉल्यूम, 140 बिस्किट जो मैं इसमें रख रही थी उनकी वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बचा हुआ स्पेस मिल जाएगा? अब एक बिस्किट की वॉल्यूम कितनी निकाली थी मैंने पीछे क्वेश्चन में, मैंने कैलकुलेट की एक बिस्किट की वॉल्यूम 19.8 सेंटीमीटर क्यूब. तो 140 बिस्किट्स की वॉल्यूम निकाल सकते हो. कितनी हो जाएगी 140 बिस्किट्स की वॉल्यूम? कैसे निकालोगे? 140 इंटू 19.8, इज इट ओके? कर सकते हैं? चलो फटाफट कैलकुलेट करो. 140 इंटू 19.8 आ गई. अब प्रॉब्लम जो है वो है बॉक्स की वॉल्यूम. बॉक्स है सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की हाइट तो दे दी 14 सेंटीमीटर, लेकिन सिलेंडर का रेडियस नहीं दिया है मुझे. हाँ जी, हाँ जी बोलो जी. चलो तुम्हारे पास वो बना हुआ है, आप क्या करो सिलेंडर की वॉल्यूम हमें चाहिए. ठीक है जी, सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास ये 7 बिस्किट्स इसमें अरेंज करके दिखाए गए थे, 1 2 और ये पूरा पूरा इसको टच करके जा रहा था ऐसे. ठीक है जी, ऐसे जा रहा था. अब और जहां मर्जी से मैं चेक कर लूं, मेरे पास आपके पास प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है, जिस मर्जी के अलोंग देख लो, तीन तीन बिस्किट जा रहे हैं. देखो अपनी शीट के ऊपर सब में तीन तीन बिस्किट हैं, जहां मर्जी चले जाओ. ठीक है, तो क्या आप इसकी हेल्प से इस
बॉक्स का रेडियस निकाल सकते हो, हाइट तो दे रखी है, रेडियस मिल गया तो वॉल्यूम मिल जाएगी। क्या इसका रेडियस निकल सकता है? एक बिस्किट का डायामीटर कितना दिया था मुझे ना, रेडियस दिया था 3। इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 6, फिर 6 और फिर 6, तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। क्या ये मेरे बॉक्स का डायामीटर है? ये बात समझ में आई है सबको? तो बॉक्स का डायामीटर जो आ गया वो कितना आ गया है? 18 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 9। तो अब मेरे पास क्या करना है मुझे? पाई 9 स्क्वायर इंटू एच, इस वॉल्यूम में से जो मैंने इसमें 140 बिस्किट रखे हैं उनकी वॉल्यूम माइनस कर देनी है, तो मेरे पास बची हुई वॉल्यूम आ जाएगी। इसमें ना बी ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज 792। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, करेक्शन करवा दी थी या नहीं मुझे नहीं मालूम इस बारे में। इज इट योर आंसर इज 792 सेंटीमीटर, क्यू बी ऑप्शन। मेरे पास जो प्रिंटेड है दैट इज 7982, तो मे भी करेक्शन हो गई हो, नहीं हो तो इसको देख लेना, दिस इज 792। चलो जो आंसर आया वो बाद की बात है, पहले ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोबारा देखते हैं, मेरे को बची हुई जगह की वॉल्यूम चाहिए थी। बची हुई जगह की वॉल्यूम का मतलब पहले डब्बे की वॉल्यूम निकाल के उसमें से बिस्किट्स की वॉल्यूम माइनस कर दूं तो बची वॉल्यूम मिलेगी। एक बिस्किट की वॉल्यूम 19.8 हम निकाल चुके थे, 140 टोटल बिस्किट्स हैं, तो 19.8 इंटू 140। बॉक्स की वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी, रेडियस नहीं मिल रहा। वो रेडियस कैलकुलेट करना ये सबसे ज्यादा इसमें कंसेप्चुअल पार्ट था क्वेश्चन के अंदर। आपको सामने से दिख रहा है कि आप जहां मर्जी चले जाओ आपके पास तीन तीन बिस्किट पूरे पूरे इस तरीके से आ रहे हैं। एक बिस्किट का रेडियस 3 है, तो ये डायमीटर 6, फिर ये 6, फिर ये 6, सो टोटल डायमीटर कितना बन रहा है मेरा? 18 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। बस ये आपको कैलकुलेट कर लेना, यहां से आपका आंसर मिल जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अगला पार्ट पढ़ते हैं। इफ द वेट ऑफ 7 बिस्किट्स इज 50 ग्राम, व्हाट विल द वेट ऑफ द बॉक्स ऑफ द बिस्किट्स? अभी हम बॉक्स की बात नहीं कर रहे, हम उसमें सिर्फ बिस्किट्स के वेट की बात कर रहे हैं। 7 बिस्किट्स का वेट 50 ग्राम है, मैंने कितने बिस्किट डाले हैं इसमें? मैंने डब्बे में कितने बिस्किट भरे? 140। ठीक है जी, 7 बिस्किट्स का वेट 50 ग्राम्स है, मुझे 140 बिस्किट्स का वेट चाहिए, कितना होगा? यूनिटरी मेथड, एक बिस्किट का वेट 50 बाय 7, एक बिस्किट का वेट आ गया 50 डिवाइड बाय 7, मुझे 140 बिस्किट इसमें डालने हैं, तो कितना वेट बन जाएगा? 1000 ग्राम्स। सो दिस इज इक्वल टू 1 kg। मतलब मैंने जो पैकिंग्स बनाई हैं वो एक एक किलो की पैकिंग बनाई, 1 किलो की पैकिंग में 140 बिस्किट्स मेरे स्टैक हो गए हैं। स्टैकिंग कैसे की थी मैंने? 7 7 बिस्किट हर लेयर में आ रहे थे, टोटल हाइट 14 सेंटीमीटर, बिस्किट की हाइट 0.7, तो ऐसी मेरे पास 20 लेयर्स लग रही थी। एक में 7 बिस्किट आए तो 20 लेयर में 140 बिस्किट्स मेरे पास आ गए। अब बताओ क्या ये केस स्टडी समझ में आई है बच्चों? ध्यान से देख लो, अभी भी अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो वो मुझसे पूछोगे आप। लुक एट ऑल द क्वेश्चंस वंस अगेन एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी वन ऑफ इट प्लीज टेल मी। द ओनली पार्ट, दो पार्ट मतलब देखो, आपके पास पहला दूसरा बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सीधा है, सिर्फ तीसरा और चौथा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा सोचने वाला था। तीसरे में कितनी लेयर्स, उसके लिए सिर्फ हाइट की बात सोचनी थी, और चौथे में रेडियस। ये दो बातें थी जो मेरे को
यहां से सोचनी थी, बाकी सीधे सीधे फॉर्मूले लगते जाएंगे, काम होता जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये जो बाकी के बचे असम्पशन रीजन है, ये आपने एक बार वापस से ट्राई करके आने हैं। जो भी इसमें प्रॉब्लम वाला पार्ट अब होगा, चलो आपके पास पेपर में टाइम कम था, ये वो, व्हाटएवर इज द रीजन, नाउ यू विल हैव एम्पल टाइम, ट्राई ऑल दीज 5 असर्शन रीजन क्वेश्चन एट योर प्लेसेस, और जिस जिस क्वेश्चन में जो जो प्रॉब्लम होगी वो आपने मुझे बतानी है। अगली क्लास में हम पहले वही डिस्कस करेंगे, फिर हम अगली बात पर चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर। ओके बच्चों, थैंक यू। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, फॉर्मूलाज याद कर लो बच्चों, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ बी डम्ब इनफ कि तुम्हें 3 साल में 10 फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। इतने तुम अपने आप को इतना नालायक करवा कहलवाना तो शायद तुम लोग भी पसंद नहीं करोगे। क्या करोगे बता दो, अपने आप बता दो कि अच्छा लगेगा तुम्हें कोई ये कहे कि तुम्हें 3 साल में 10 फॉर्मूले याद नहीं होते। विल यू लाइक पीपल टू से दिस टू यू? बुरा लगेगा ना। 8वीं में तुमने सिलेंडर के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे, 9वीं 10वीं में ये सारा कुछ पढ़ लिया था, क्या सफियर तो क्या, हेमी सफियर तो कौन, ले वो लेटर बटर सब कुछ। तीसरी बार पढ़ रहे हो ये, अभी भी अगर फॉर्मूले याद ना हो तो शर्म की बात है। अगली क्लास में मैं सबसे पहले रैंडमली किसी को भी उठा के पहले फॉर्मूलेस डिस्कस करूंगी, पूछूंगी, उसके बाद या सेशन रीजन की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको देखेंगे, उसके बाद किसी और चैप्टर की बात करेंगे। Is it right? And I hope all of you are good students. You listen to what is being said, और फॉर्मूले आप अच्छी तरह से अगली बार तक याद करके आएंगे। I hope so. चलिए बच्चों, ओके जी, थैंक यू फॉर द क्लास, बाय। Gracias.